हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल देख रहा विनोद। मैं हूँ आपका वक्ता विनोद। यह जे एन यू का बाहर था मैंने पूरी बात तो बताई नहीं। मैं बेसिकली बाहर गई थी चाय पीने के लिए। या भाई, मैं वीडियो बना रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिल गई थी, वो मुझे हाय बोल के चली गई, लेकिन मैंने वीडियो बंद कर दी थी। शुक्र है मैं ऐसे नहीं, फ़ोन मेरा ऐसे था, पता तो खैर उसको चल जाएगा अगर ये वीडियो डली तो और वो है भी मेरे ही हॉस्टल की। खैर मैंने इतना बोल भी दिया है तो ऑफकोर्स उसको पता चल जाएगा, नहीं भी पता चलना होगा तो, वरना मैं उसको कह देती नहीं नहीं उस दिन मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। ओह माय गॉड्स, सी सर्दियाँ आ चुकी हैं जे एन यू में, मतलब दिल्ली में ही आ गया, दुनिया में आ गया, इंडिया में आ गया। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बैठ जाते हैं कहीं पे थोड़ी देर आराम से, अभी मस्त चाय वाय पी के आ रहे हैं। खैर मस्त तो नहीं था, यहाँ बैठे यहाँ बैठ जाते हैं। मैं इतनी उम्मीदों के साथ चाय पीने जाती हूँ, आज सुबह मेरे हो रहा था कि देखना आज चाय पीने जा रही है, आज कुछ ना कुछ लोचा होगा। मैंने उस बंदे से चाय मांगी, मतलब उसकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। उसने मुझे चाय दे भी दी, उसने तुरंत दे दी। मैं वही सोची थी रोज़ मैं मांगती हूँ चाय तो तुरंत दे तो देता है। मैं बिस्किट विस्किट लेके अपना डब, मैं खुद ही डब्बे उब्बे से बिस्किट निकाल के खड़ी हूँ, पेमेंट मैं कर चुकी हूँ 15 रुपये का। सुबह सुबह मैं पैसा खर्च करती हूँ, मेरा पैसा यहीं खर्च होता है, खाने पीने पे नहीं खर्च होता मेरा, मेरा यही सब चाय बिस्किट और बाटी चोखा। आजकल बाटी चोखा छोड़ रखा, सत्तू पराठा छोड़ा तो बाटी चोखा पकड़ लिया है, मतलब यही सब पे खर्च होता है मेरा। देखा देखा, एक बात से दूसरी बात पे कैसे आ गई, इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, क्या बताऊँ। मेरे अंदर दो लोग हैं, एक जेठालाल है और एक दयाबेन है। दयाबेन पहले मैं ऐसे दयाबेन की तरीके से इधर उधर डोलती रहती हूँ, मतलब समझ गए ना। हाँ, और फिर उसके बाद क्या करती हूँ मैं, मेरे अंदर का जेठालाल जागता है और वो फिर कहता है नहीं नहीं इधर चलो, इधर चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। क्या जे एन यू पढ़ रही हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा भीड़े भी है, कभी कभी भीड़े भी आ जाता है, जहाँ मैं असूलों की बातें करती हूँ, सिद्धांतों की बात करती हूँ। ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, सुबह सुबह ड्यूटी पे आए हैं, खैर हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बातें करने की। मुझे लगता है कि मुझे काउंसलर बन जाना चाहिए, क्या कहते हो? रहने दो, मत ही कुछ कहो। और मैं बात क्या कर रही थी वो तो मैं भूल गई, बात में कर रही थी, मैंने उससे चाय मांगी तो इतनी चंटू मंटू हूँ मैं, उसने मुझे चाय तुरंत दे दी थी। मैं मार वहाँ पे ऐसे बेसुदुकों की तरीके से आसमान देख रही थी, मैं उसे कहा भैया चाय दे दो, मुझे लगा बना रहा है फिर तभी लेट कर रहा है, पर नहीं वो लेट नहीं कर रहा था। उसने मेरे सामने ही चाय रखी थी, वो उतनी देर में ठंडी हो गई, फिर मैंने ऐसे ठंडी चाय पी एकदम। उठ गई गंगा ढाबा से, वो गंगा ढाबा था, मैंने बताया ही नहीं। खैर मैंने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था गंगा ढाबा है, प्रणाम करो भगवानों को, भगवान है एक ही मालिक है। हाँ, पानी की टंकी काली क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव ही काला है। बेसिकली हम बजा रहे हैं वापस, क्योंकि हम बैठ के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जहाँ बैठ जाती हूँ वहाँ बातें करती हूँ। देखो वेजिटेबल मार्केट्स लगी है ना, बोलती थी कि नहीं लगती है, मतलब बोलती थी कि लगती है। अपोलो खुल चुका है, ये देखो सहानी जी की दुकान खुली है। हम सहानी लोग हैं ही बढ़िया, सुबह सुबह उठ जाते हैं अपना काम करने के लिए, एकदम ऑलवेज रेडी तैयार। बस पटालो सही हम मिस कॉल से, खैर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टचवुड क्योंकि मैं टचवुड कर लूँ फिर मैं बात बोलूँगी। तो हाँ ऐसे उठ जाते हैं बिना अलार्म क्लॉक के, लगता फिर से उठ छूना पड़ेगा रुकना। हाँ तो बिना अलार्म क्लॉक के उठ जाते हैं, क्या बताएं, नींद ही नहीं आती है तो ऐसे ही उठ जाते हैं। थोड़ी बहुत आती है वो भी टूट जाती है किसी तरीके से,
ये फूल हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले क्लेम करते थे कि ये फूल सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में उगता है, पर अब हर जगह दिखाई देता है। दिल्ली में तो बेसिकली दिखाई देता ही देता है। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब बढ़िया बढ़िया फूल देखने को मिलेंगे एकदम। एक्चुअली आई हैव टू रन लिटिल बिट फास्टर बिकॉज इफ आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो आई हैव टू जस्ट सरपास दिस मैन हु इज जस्ट बिहाइंड मी बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वॉकिंग वेरी फास्ट। फिर मैं सरपास तो उनको कर चुकी हूँ लेकिन उनको इतना ज़्यादा पीछे छोड़ दूँगी कि पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब तो सर्दियाँ आ गई, एकदम लेटेस्ट फैशन देखने को मिलेगा सरोजनी मार्केट का। बढ़िया बढ़िया जाइए, सरोजनी मार्केट जाइए, वहाँ से बढ़िया बढ़िया स्वेटर लेके आइए। स्वेटर्स महंगे नहीं होते हैं, 30-80 रुपये में स्वेटर मिल जाते हैं। बढ़िया बढ़िया माल लेके आओ भाई, पहनो, यही तो उम्र है फैशन करने की, फैशन करो फैशन। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि सोई भी लेट थी तो लेट हो गया मेरे को उठने में, वरना तो क्या ही बताऊँ। मैं कभी नर्मदा हॉस्टल नहीं गई थी, खैर मैं कल भी नहीं गई, पर कल मेरे को यहाँ से थोड़ा सा बाहर से देखने का मौका मिला नर्मदा हॉस्टल। या भाई पीछे से रास्ता है यहाँ पे, मुझे लगता था पता नहीं क्या है पीछे, खाई वाई है कुछ ऐसा है, पर पीछे से रास्ता जाता है भाई, पीछे से रास्ता ऐसा जाता है, ऐसा जाता है कि हमारे हॉस्टल के पास खुले ऐसा जाता है। स्मेल अच्छी आ रही है। अभी एक लड़का क्रॉस करके गया, उसने इतना बढ़िया परफ्यूम लगा रखा था कि चारों दिशाओं को महका रहा था। बढ़िया परफ्यूम था, ये हमेशा बहती रहती है नदी, लगाती हमेशा बहती रहती है। नाला है नाला, ये देखो नाला है नाला, पर बहता ही रहता है हमेशा, उसकी नाक सुरखती रहती है एकदम ही। एक्चुअली आज मैंने ऐसे प्रण लिया है कि मैं तेज चलूँगी, तो मैं तेज़ चलते चलते बातें कर रही हूँ, अब तेज़ चल रही हूँ तो पता नहीं जो जो आ रहा है वो बोल दे रही हूँ, नहीं तो आदत भी है कुछ भी बोल देती हूँ। ऐसे नल खुल जाता है, बहने लग जाता है बातें, और नहीं होती है तो बातें बनाती हूँ, फिर मैं ऐसे निकालती हूँ बातें, अच्छा 2 साल पहले ये हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ अभी शीशा देख के थी तो मुझे मैं अच्छी नहीं लग रही थी, पर नाउ आई एम लुकिंग गुड, लुकिंग नाइस, हैंडसम एकदम। फोटो भी ले ही लेती हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे निकलती हूँ, वॉक के बहाने में चाय पीती हूँ, इस तरीके से मैं अपने माइंड को ऐसे भ्रमित करती हूँ। मेरे 2-3 मोटिव्स होते हैं, एक तो कि चाय पी लूँगी, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि मेरा ऐसे धर्म सा हो गया है कि मुझे चाय पीनी ही पीनी है, नहीं पीऊँगी तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा। और दूसरा ये कि अगर मैं वॉक, मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं वॉक पर नहीं गई तो जो मैं दिन भर कलेश करूँगी अपने खुद के साथ, वो भी सही नहीं है। पर मैं कल वॉक पर गई थी लेकिन मैंने कलेश किया था, तो मेरा ऐसे विश्वास डगमगा सा गया है। नाले की सफाई नहीं हुई है, कृपया नाले की सफाई करवाएं, मैं तुम लोगों को यही सब दिखाती रहती हूँ, पर इट्स ओके गाइस, ये तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, अभी कोई है नहीं बात करने के लिए इस समय, बाजू में कोई चल नहीं रहा ना, और मेरे से ऐसे इमेजिन भी नहीं हो रहा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ गाइस। अरे वाह, एक और कर्मनिष्ठ अंकल दिखाती हूँ, ये देखिए सुबह सुबह आ गए, मस्त अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस खोल लिया है, एक हम है। खैर हमने अपनी भी तारीफ करी थी, ओह ये मैंने 150 के लिए थे, जब लिए थे तो नहीं पहने थे, अब मेरे जूते गंदे हो गए हैं तो मैं इसको पहन के घूमती हूँ आजकल, ठंडक हो रही है ना, ठंडक इस वजह से। एक तो ऐसे ओढ़ लेती हूँ, वही मनोज वाजपेयी वाली फीलिंग आती है गैंग्स ऑफ वासेपुर की, एक में वो टोपी भी है क्रिसमस वाली, उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल है, वो लगा लेती हूँ तो बिल्कुल ही खुद अपने को पहचान में नहीं आती। खैर मेरे लुक्स चेंज होते रहते हैं गाइस,
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, खैर वीडियो इतनी कोई बनाई नहीं मैंने क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ये मुझे लगता है मैं वीडियो तब डालूँगी जब मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं होगा। तो या इफ़ यू लाइक द वीडियो कैन यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस वीडियो डज नॉट शो माई ट्रू पोटेंशियल, दिस इज़ जस्ट वॉट कैन आई से, होता ना काम चलाओ कुछ नहीं है तो कुछ तो डाल दो वाला, क्योंकि कुछ जाना चाहिए बस वो है और कुछ नहीं। सनशाइन।